प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेसी नेता शेख हुसैन ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। नागपुर में ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन में शेख हुसैन ने पीएम मोदी को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। शेख हुसैन ने पीएम मोदी की मृत्यु की कामना की। शेख हुसैन नागपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। विवादित बोल को लेकर शेख हुसैन पर नागपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के नेता ने बेहद विवादित टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नेता शेख हुसैन ने इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की है कि उसे हम आपको अपने चैनल पर सुनवा भी नहीं सकते। नागपुर में ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन में शेख हुसैन ने पीएम को लेकर ऐसी बातें कही जो बेहद अपमानजनक है, और इन बातों को यहां पर भले ही सुनाया ना जा सकता हो, लेकिन हम आपको यह जरूर बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मृत्यु की कामना यहां पर की गई। मोदी तेरा वही हाल होगा, अब क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को 1,000 नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, अब क्या बोलेंगे कि जैसे मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को 1,000 नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। तो ये शेख हुसैन थे जो प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद विवादित बयान दे रहे हैं, और साथ ही अपने बयान पर कायम भी हैं। शेख हुसैन का कहना है कि उन्होंने जो बयान दिया दरअसल वो एक मुहावरा है, और पीएम पर दिए गए अपने विवादित बयान पर कायम है। तो मुहावरे की आड़ में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद अब शेख हुसैन कह रहे हैं कि वो अपने बयान पर, अपनी बात पर कायम है। प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बेहद विवादित बयान पर अब हुसैन की तरफ से सफाई आई है। उन्होंने अपना बयान दिया है और कहा है कि जो उन्होंने कहा था वो एक मुहावरा है, और जो शब्द उस मुहावरे में इस्तेमाल हुए वो उन पर कायम है। मैंने तो ऐसा कोई FIR होने वाली बात ऐसी कोई दर्ज होना चाहिए ऐसा कोई बात तो मैंने बोला नहीं। जो भी ये पार्टी के हित में पार्टी लाइन के ऊपर मैंने भाषण दिया पूरा, और मैंने अब आखिरी की बात कौन से सेंटेंस को बोल रहे हैं, तो मुहावरे के रूप में मैंने वो पेश किया। ऐसे मुहावरे बोले जाते हैं ना, ऐसे बहुत सी चीजें बोली जाती है, वही मुहावरा मैंने बोला। मैंने तो ऐसा कोई FIR होने वाली बात ऐसी कोई दर्ज होना चाहिए ऐसा कोई बात तो मैंने बोला नहीं। जो भी ये पार्टी के हित में पार्टी लाइन के ऊपर मैंने भाषण दिया पूरा, और मैंने अब आखिरी की बात कौन से सेंटेंस को बोल रहे हैं, तो मुहावरे के रूप में मैंने वो पेश किया। ऐसे मुहावरे बोले जाते हैं ना, ऐसे बहुत सी चीजें बोली जाती है, वही मुहावरा मैंने बोला। तो पार्टी लाइन को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी बात कही, ये कहना है यहां पर शेख हुसैन का। और शेख हुसैन के विवादित बयान पर बीजेपी ने क्या कहा है आपको वो भी सुनाते हैं। यह कांग्रेस की क्षुद्रता और मानसिक स्तर की सीमा तक पहुंच गया है, यह उसका क्रमशः प्रमाण है। यह केवल एक घटना नहीं है। 2007 में सोनिया जी ने मौत के सौदागर बोला था, 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी काटने का आह्वान किया गया, और आज ये बोला गया, तो यह कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता कितने निचले और छिछले स्तर पर आती जा रही है उसका प्रमाण। तो कांग्रेस की ओर से इस विवादित बयान पर क्या प्रतिक्रिया आई है आपको वो भी सुना देते हैं। सर, शेख हुसैन है नागपुर के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि जैसे किसी कुत्ते की मौत होती है सड़क पर वैसे नरेंद्र मोदी की मौत होती है। क्या इस तरह की बयानबाजी ठीक है कांग्रेस नेता? जब गंदी गालियां प्रधानमंत्री देते हैं कांग्रेस नेतृत्व को, उसको भी इसी तर्ज पर उठाते, मैं खंडन करता हूं। कांग्रेस के अगर किसी कार्यकर्ता ने ये कहा तो ये तो हम इसको सिरे से नकारते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनका उनका द्वेष हो सकता है कांग्रेस पार्टी से, वो बदले की आग में धधक रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ, पर हम उनका सम्मान करेंगे विनम्रता से और सादर से। और मैं सबको कहूंगा, प्रधानमंत्री जी
के सम्मान में कोई बात कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ना कहे जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से राम कदम जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस से अजय वर्मा हमारे साथ हैं और आरएसएस विचारक संगीत रागी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो अजय वर्मा आपका रुख करेंगी और पूछूंगी आपसे कि शेख हुसैन कह रहे हैं कि उन्होंने जो बोला वो पार्टी की लाइन है, क्या कांग्रेस की ये लाइन है? देखिए, अभी हमारे सांसद और मीडिया प्रभारी रणदीप जी को आपने सुना, अब मैं उसके बारे में उससे आगे और बताना चाहता हूं कि वर्तमान में पहले वो कभी नगर अध्यक्ष होते थे, ज्योतिराय सिंधिया साहब भी पहले कांग्रेस में थे, आजकल मंत्री हैं। तो ये उनके अपने निजी और व्यक्तिगत विचार हैं, पार्टी लाइन के ना हमारे ऐसे विचार हैं। प्रधानमंत्री हम कहते हैं देश के होते हैं, ये अलग बात है कि कांग्रेस से वो द्वेष रखें, देश की जनता को वो गर्त में पहुंचा दें, महंगाई से मार दें, जमीन में बिल्कुल व्यापार खत्म कर दें, चलिए तो उनकी पार्टी का पॉलिटिक्स की रणनीति या तकनीक है। लेकिन कोई भी संविधान में हम अपने यहाँ जब देश के प्रधानमंत्री ने हमारी यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए, लेकिन हमने उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। बीजेपी के नेताओं की और मानसिकता इस कदर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर हो चुकी है कि दिल्ली में जो तीन दिन से जो इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है ईडी, उसने जो हाल कर रखा है, जनरल डायर और अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया कि कांग्रेस के मुख्यालय में जाके पुलिस ने घसीट घसीट के हमारे नेता के सी वेणुगोपालन साहब, राष्ट्रीय महासचिव एमपी, हमारी महिला एमपी रंजीता जी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, हमारे नेता इमरान प्रताप गढ़ी, हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा, हमारे नेता सीएम जो भूपेश बघेल जो एक नक्सली प्रदेश से आते हैं, जिनको हत्यारों ने धमकी दी हुई है, जेड प्लस की सिक्योरिटी है, उनको 1.5 घंटे जो है किस इरादे से रोका गया सड़क पर, अगर उनकी कुछ खिलाफ उनके हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार होगी। मैं ये मंच से कह रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन हमारा उद्देश्य, हम नरेंद्र मोदी जी का और प्रधानमंत्री का एक संवैधानिक पद होता है, हम लोग कभी उनका जोर नहीं करते। अजय वर्मा साहब, आपको यहाँ रोकूंगी, एक बार एफआईआर की कॉपी दिखा देते हैं। शेख हुसैन ने जो विवादित टिप्पणी की है उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, नागपुर में ये एफआईआर दर्ज हुई है, कांग्रेस नेता के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है जिसकी कॉपी इस वक्त जी न्यूज पर आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। नागपुर में ये एफआईआर दर्ज हुई है जहां पर शेख हुसैन ने ये बेहद विवादित टिप्पणी दी थी, और अब हालांकि शेख हुसैन का कहना है कि मुहावरा था, वो अपने बयान पर कायम है, पार्टी की लाइन को वो टो कर रहे हैं। और राम कदम हमारे साथ है। राम कदम, अजय वर्मा की बात आपने सुनी, कहना है अजय वर्मा का कि पार्टी उनकी ये निजी विचार है शेख हुसैन के, लेकिन शेख हुसैन साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने तो एक मुहावरे का इस्तेमाल किया था और वो कतई भी इसके लिए ना तो माफी मांग रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि ये पार्टी लाइन से अलग उनके निजी विचार है। आदित्य जी, शायद कांग्रेस के नेता अजय जी इस पूरे वाक्या को ठीक से नहीं जानते। जब कांग्रेस के नेता ये अभद्र वाणी का उपयोग करते हुए बयान दे रहे थे, उस समय उसी मंच पर कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के वर्तमान मंत्री है उनके मौजूदगी में यह सारा हुआ। मंत्री ने उन्हें रोका क्यों नहीं, आक्षेप क्यों नहीं लिया, खंडन क्यों नहीं किया उस बात का, पुलिस से क्यों नहीं कहा कि इसकी गिरफ्तारी हो? 3 दिन बीत गए, 3 दिन बीतने के बाद भी महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता है, किसने रोका इन्हें, क्यों नहीं गिरफ्तार करते इस व्यक्ति को? इतनी अभद्र वाणी का प्रयोग, वह भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, कैसे इसका समर्थन हो सकता है? महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ना उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने को तैयार है, नागपुर में वो खुलेआम घूम रहा है, वो कहता है ये मुहावरा है, किसी की मौत का ख्वाब देखना, उसको जानवर के साथ जोड़ना उस मौत को, क्या यह मुहावरा हो सकता है? संगीत रागी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, राम कदम साहब, संगीत रागी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, आरएसएस के विचारक हैं। संगीत रागी साहब, आपने कांग्रेस की बात सुनी, आपने अजय वर्मा का पक्ष उन्होंने रखा, उन्होंने कहा कि ये निजी विचार है शेख हुसैन के, राम कदम साहब का कहना है कि पार्टी ने क्यों नहीं एक्शन लिया, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? जो भाषा की मर्यादा यहां पर पूरी तरीके से टूटी है, इस बात को तो कोई भी डिनाय नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता। देखिए 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 अदिति,
कांग्रेस के प्रवक्ता की बात हम मान लेते हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के प्रति हमारा सम्मान है और हम ऐसी बातों से कि प्रधानमंत्री कुत्ते की मौत मरेगा नरेंद्र मोदी, हम इस बात से किनारा कर लेते हैं, उनकी ये सफाई हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये गले नहीं उतरता है। ऐसा इसलिए नहीं गले उतरता है कि आपको याद होगा कि इमरान मसूद नाम का एक व्यक्ति जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दंगों का नायक था और जिसने कहा था कि नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काटने वाले को मैं इनाम दूंगा, उस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यालय में बुला करके उन्हें पदवी नवाजा, उन्हें इलेक्शन का इंचार्ज बनाया। तो ये बात गले नहीं उतरती है कि कांग्रेस की ऐसी मानसिकता नहीं है। मैं इसे अलग जाकर के कहता हूं, इस देश में इस्लामिस्ट जिहादी, वामपंथी जिहादी, चीन और पाकिस्तान, ये चार ऐसे ध्रुव हैं जो वाकई नरेंद्र मोदी के लिए को दुश्मन समझते हैं। बिल्कुल, उनको कांग्रेस पार्टी की मंशा पर आप सवाल उठा रहे हैं संगीत रागी साहब। अजय वर्मा, आपने राम कदम की भी बात सुनी, संगीत रागी की भी बात सुनी, क्या आपका टेक है, किस तरीके से पार्टी को डिफेंड करेंगे? देखिए रागी जी प्रोफेसर हैं, विचारक हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं ये बताऊं कि रागी जी का ये कह रहे हैं देश की सरकार, ये जो गॉडसे की विचारधारा की सरकार ने अपना रखी है, ये जो मरहूम हिटलर साहब का समर्थन, मरहूम हिटलर साहब की सारी आइडियोलॉजी देश की सरकार ने हिंदुस्तान के 139 करोड़ लोगों को उनमें, उसमें बीजेपी के आईटी सेल और झूठ का सेल और इनके भक्त और अंधभक्तों को छोड़ दीजिए, उन सबके प्रति अपना रखी है। ये जो 2014 से अघोषित कर्फ्यू उस देश में लगा हुआ है हर चीज के ऊपर, ये मानसिकता क्या दर्शाती है? अजय वर्मा साहब, लेकिन गांधी जी की विचारधारा का पालन करते हुए तो ये मुहावरा नहीं इस्तेमाल किया गया होगा? मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। अभी देखिए 2014 से जो देश में अघोषित कर्फ्यू है, कांग्रेस पार्टी गांधी के विचारक हैं और गांधी जी के नीति नियमों पर चलने वाले हैं। हम लोग गौडसे के ना समर्थक हैं, ना हम गौडसे की विचारधारा के लोग हैं। इस देश को बचाइए, भारत को। देखिए तीन दिन से किस तरह से गौडसे के समर्थकों ने और उसकी समर्थन पुलिस ने किस तरह से दिल्ली में क्या हाल कर रखा, मुख्यालय में। क्या लोकतंत्र में अलाउ है कि किसी के मुख्यालय में घुस के खींच के मारो या किसी को अपने घर नहीं जाने दो या सड़कों पर रोक लीजिए? लोकतंत्र का कुछ तो मर्यादा होगा। साहब आपको यहां एक मिनट के लिए रोकूंगी। रवि राणा इस वक्त अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनका कहना है कि नवनीत राणा जब हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती थी तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ, अब उधर सरकार क्या एक्शन लेगी, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। ऐसे वक्तव्य करने वालों पे क्या राजद्रोह उद्धव जी ठाकरे लगाने वाले? जो मंत्री वहां पे बैठे उस मंच पे, उसका रिजाइन उद्धव जी ठाकरे लेने वाले या देश का अपमान करने वालों को क्या सजा उद्धव ठाकरे देने वाले? ये महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि एक प्रधानमंत्री का अपमान करना मतलब पूरे देश के जनता का अपमान करना। ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है। तो अजय वर्मा साहब, आपने रवि राणा की भी बात सुनी और प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री के पद का अपमान करना, किस तरीके से इसको पार्टी जस्टिफाई करेगी? देखिए संवैधानिक पद होता है प्रधानमंत्री, देश का होता है, लेकिन जब वो देश हित छोड़कर पार्टी हित की बात हरदोई की एक जनसभा में उत्तर प्रदेश के चुनाव में माननीय संवैधानिक प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, मित्रों खून से सनी हुई मिट्टी उठाकर हाथ में कह रहा हूं इस मिट्टी की मर्यादा रखना और वोट, तो ये देश के प्रधानमंत्री क्या मैसेज देना चाहते हैं इस भारत में जहां उनको संविधान की और भी क्या उन्हें जवाब अमर्यादित भाषा में दिया जाएगा? अजय वर्मा साहब, लेकिन नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं दिया, हमने तो उसकी निंदा करी है। हम तो ये और कह रहे हैं रवि राणा जी की, ये निर्दलीय विधायक साहब, अब आप एक बात सुन लीजिए, चलिए बीजेपी के भगवान हो सकते हैं नरेंद्र मोदी, इनके भगवान है, क्या भगवान की तुलना अब आदमियों से होंगी? हनुमान जी की तुलना माननी कह रहे हैं कि साहब हमने हनुमान चालीसा और हनुमान जी की बात करी थी तो हम पे देश, क्या हनुमान मंदिरों की जगह सड़क पर आएंगे? देश के भगवान की इस तरह से बेइज्जती करेंगे? वो निर्दलीय विधायक और एमपी क्या होते हैं? वो भी भगवान ने बनाए हैं, हनुमान जी ने। सुन लीजिए कि आप सड़कों पे हमें उतारिए हमारी बेइज्जती करके, कभी हनुमान जी को एससी बोलते हैं, कभी पिछड़ा बोलते हैं। हनुमान जी का गदा जब पड़ेगा निर्दलीय विधायकों या एमपीओ, उनका इलाज होगा, लेकिन भगवान से आदमी की तुलना करना
कहां न्याय उचित है? प्रधानमंत्री हमारे लिए देश के हैं, इस तरह की कोई चीज की हमारी पार्टी। ठीक है अजय वर्मा साहब, आपने कहा कि प्रधानमंत्री आपके भी हैं और पार्टी जो शेख हुसैन की लाइन है उससे इत्तेफाक नहीं रखती। हालांकि शेख हुसैन यही कह रहे हैं कि उन्होंने जो पार्टी की लाइन है वही बात कही और साथ ही मुहावरे का इस्तेमाल किया जिससे लेकर वो बिल्कुल भी माफी मांगने की बात यहां नहीं कर रहे हैं। राम कदम साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी आपका भी और साथ ही संगीत रागी साहब आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। B News app available on Google Play and App Store. Download it now.